अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, टुडे वी आर गोइंग टू डू अ कॉम्प्रिहेंशन क्राइम्स। आप लोग बच्चों अपनी, आपके पास ये कॉम्प्रिहेंशन मौजूद है, इस कॉम्प्रिहेंशन को निकालें, ओपन करें, अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ आप इसे रीड करेंगे। क्वेश्चन इज रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द पुलिस हैड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर सिम। पुलिस को मिस्टर सिम की कॉल आई। His home had been broken into in the night. रात में उनके घर में चोरी हो गई थी। They only discovered the next morning when they found leftover food on the floor. उन्हें सिर्फ इस बात से पता चला कि अगली सुबह उनके फर्श पर बचा कुचा खाना उन्हें मिला। Then we realized that someone must have broken into the house while we were sleeping, he said. ही कौन है? मिस्टर सिम। अब मिस्टर सिम कह रहे हैं कि हमें पता चला कि कोई उनके घर में रात को चोरी करने आया था, वाइल वी वर स्लीपिंग, जब हम सो रहे थे। यानी कोई हमारे घर रात में चोरी करने आया था जब हम सो रहे थे। वी कुड हैव बीन किल्ड टू, एडेड हिज वाइफ। हमें मारा भी जा सकता था, उनकी बीवी ने इजाफा किया, यानी बात में एडिशन किया। फॉर्चुनेटली No valuables were stolen. खुशकिस्मती से कोई कीमती चीज़ चोरी नहीं हुई थी। This was the house which was broken into. ये वो घर है जिसमें चोरी हुई। अब बच्चों उन्होंने घर दिखाया होगा, लाइक ये जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है। All the doors and windows were closed. सब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थे। Except the window at the top of the tower, सिवाय एक खिड़की के जो कि टावर के ऊपर थी, यानी ऊपर वाली मंजिल में थी। लाइक ये देखें, ये खिड़कियाँ दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये ऊपर वाले एक विंडो जो है वो बस ओपन थी। He must have got in through the open window, said Officer Ken. वो ज़रूर इस खुली खिड़की से अंदर आया होगा, ऑफिसर केन ने कहा। The robber must have used a ladder to climb in. डाकू ने ज़रूर सीढ़ी इस्तेमाल की होगी ऊपर चढ़ने के लिए। He could have used a rope, said Officer Penn. उसने कोई रस्सी इस्तेमाल की होगी, ऑफिसर पेन ने कहा। The police looked for clues but found none. पुलिस ने क्लूज़ इकट्ठा करने की, शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की, या शवाहिद इकट्ठे करने के लिए देखा, लेकिन उन्हें कुछ ना मिला। He couldn't have got in using a ladder or a rope, concluding Detective Ben. अब एक डिटेक्टिव भी वहाँ पे मौजूद है, पुलिस ऑफिसर बेन और केन और पेन के अलावा एक डिटेक्टिव बेन वहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि कोई भी लेडर या रस्सी, कोई भी सीढ़ी या रस्सी इस्तेमाल नहीं की गई। Suddenly Mr. Sim said, अचानक मिस्टर सिम ने कहा, जिनका घर था, I saw some monkeys around my house yesterday as we live near woods. मिस्टर सिम कह रहे हैं कि कल मैंने, गुजरे हुए कल में, यानी कल मैंने अपने घर के गिर्द कुछ बंदर देखे थे, as we live near woods, जैसा कि वो जंगल के पास रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर के करीब कुछ बंदर देखे थे। डिटेक्टिव बेन सेड, डिटेक्टिव बेन ने कहा, ओह दैट रॉबर मस्ट बी अ मंकी, ओह वो डाकू ज़रूर एक बंदर होगा। एवरीवन लाफ्ड एंड लाफ्ड, हर कोई ज़ोर ज़ोर से हंसा। अब देखें बच्चों, चूंकि कोई भी कीमती चीज़ चोरी नहीं हुई थी, ना ही वहाँ पे किसी आदमी के या इंसान के आने के कोई निशानात मिले, सिर्फ उनके फर्श पर बचा हुआ खाना मिला था, तो ज़रूर ऊपर वाली खिड़की से बंदर आए होंगे और उन्होंने आकर जो है वो खाया होगा, और फिर वो वहीं वैसे ही छोड़कर खिड़की से बाहर कूद गए। क्वेश्चन देख लें इसके। नंबर वन इज़ व्हेन डिड मिस्टर सिम डिस्कवर हिज हाउस हैड बीन रॉब्ड। मिस्टर सिम को बच्चों कब पता चला था कि उनके घर में चोरी हुई है? आप पैराग्राफ को ऊपर रीड करें और इस आंसर को फाइंड करें। व्हाट वाज फॉर्चुनेट, क्या खुशकिस्मती थी? ऊपर पैराग्राफ में देखें और आंसर को फाइंड करें। नंबर थ्री, हाउ डिड द रॉबर्स गेट इनटू द हाउस, चोर घर के अंदर कैसे आए होंगे? नंबर फोर इज़ व्हाट डिड द ऑफिसर बेन सजेस्ट। बच्चों यहाँ पे ऑफिसर बेन नहीं था, ऑफिसर पेन था, पेन और केन, तो यहाँ पे आप बी को कट करके पी लिख लें और
इसको पेन कर लें. व्हाट डिड ऑफिसर पेन सजेस्ट? क्या सजेस्ट किया था ऑफिसर पेन ने, वो भी आपको पता कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको, देख लें वहाँ पर. नंबर फाइव इज़ व्हाट डिड द डिटेक्टिव बेन कंक्लूड? डिटेक्टिव बेन जो था उसने क्या नतीजा निकाला था? अब आप इसको कॉम्प्रिहेंशन को ऊपर दिए गए पैराग्राफ की मदद से सॉल्व कर लें और फिर दोबारा से इस वीडियो को ओपन करें और आंसर्स को मैच कर लें. देखें बच्चों, व्हेन डिड मिस्टर सैम डिस्कवर्ड हिज हाउस हैड बीन रॉब्ड? दे ओनली डिस्कवर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे फाउंड लेफ्ट ओवर फूड ऑन द फ्लोर. जब उन्हें बच्चा कुच्चा खाना फर्श पर पड़ा हुआ मिला. व्हाट वॉज फॉर्चुनेट? ये भी आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे. फॉर्चुनेटली नो वैल्यूएबल्स वर स्टॉलन. कोई कीमती चीज़ चुराई नहीं गई थी. हाउ डिड द रॉबर्स गेट इन टू द हाउस? रॉबर्ट्स गॉट इन टू द हाउस फ्रॉम द विंडो एट द टॉप ऑफ द टावर. नंबर फोर, व्हाट डिड ऑफिसर? यहाँ पे मैंने कहा था बच्चों ऑफिसर पेन था, बी को कट कर ले करके ऊपर पी लिख लें जैसे कि आपको नजर आ रहा है. व्हाट डिड ऑफिसर पेन सजेस्ट? ही कुड हैव यूज्ड अ रॉप, सेड ऑफिसर पेन. ऑफिसर पेन ने कहा था कि उसने ज़रूर कोई रस्सी इस्तेमाल की होगी. व्हाट डिड द डिटेक्टिव बेन कंक्लूड? डिटेक्टिव बेन ने कहा था ही कुडंट हैव गॉट इन यूजिंग अ लैडर और अ रोप, कि कोई भी रस्सी या सीढ़ी का उसने इस्तेमाल अंदर आने के लिए नहीं किया. नंबर सिक्स, हु वॉज अ रियल रॉबर? तो रियल रॉबर कौन था बच्चों? मंकी. मंकी वॉज द रियल रॉबर. कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर लें, मैच कर लें और फिर इसको लर्न कर लें. अल्लाह हाफिज़.